बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेट के शौकीनों के लिए दरअसल खुशखबरी है। 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल शुरू होगा, तो 8 नवंबर को खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। और इस दौरान जानकारी ये भी मिल रही है कि 50 से ज्यादा दिनों तक ये आईपीएल चलने वाला है। तो एक खुशखबरी आईपीएल के शौकीनों के लिए, क्रिकेट के शौकीनों के लिए, खेल में रुचि रखने वाले लोगों के लिए, क्योंकि कोरोना के चलते, लॉकडाउन के चलते इस बार आईपीएल नहीं हो पाए। लेकिन अब जानकारी ये कि 19 सितंबर से यूएई में आईपीएल शुरू होगा। और रोहित पांडे खेल संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते एक निराशा थी आईपीएल को लेकर, लेकिन अब शायद खुशी। कैसे ये मैनेज किया जाएगा पूरा आईपीएल? जी बिल्कुल, खुशखबरी है क्रिकेट के शौकीनों के लिए। और आज की सबसे बड़ी खबर, अगर क्रिकेट के आप फैन हैं तो, आईपीएल शुरू होने के लिए कल रात बड़ी मीटिंग हुई कि आईपीएल कैसे शुरू कराया जाएगा। तो इसके लिए यूएई में 19 तारीख को तय किया गया है कि आईपीएल 19 सितंबर से शुरू किया जाए। जैसे पिछले दिनों खबर आई कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप रद्द कर दिया है और भारत ने एशिया कप रद्द कर दिया है, तो ऐसे में आईपीएल के लिए रास्ते खुल गए थे। और रास्ते खुलने के बाद ये हुआ कि आईपीएल कराया कहाँ जाएगा, तो 3 वेन्यू चुने गए थे, श्रीलंका, यूएई और न्यूजीलैंड। ऐसे में यूएई सबसे बेहतर बीसीसीआई को लगता है। रोहित, क्योंकि कोरोना को लेकर यहाँ पर ज्यादा खौफ था, इसी के चलते ये कैंसिल किया गया था। अब जब प्लान कर लिया गया है एक बार फिर से, तो किस तरह से मैनेज किया जाएगा, गाइडलाइंस क्या होंगी इस वैश्विक महामारी के बीच? देखिए, अभी कल तय हुआ कि 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच आईपीएल खेला जाएगा। अब 2 दिन बाद सोमवार को जब बैठक होगी तो उसमें शेड्यूल तय किया जाएगा, गाइडलाइंस तय की जाएंगी, और यूएई सरकार की जो गाइडलाइंस होंगी उसके अनुसार आईपीएल खेलने के लिए बीसीसीआई को बाध्य होना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से क्योंकि यूएई में भी केसेस 58,000 के आसपास है कोरोना के, तो ऐसे में वहां की भी सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेगी और सभी तरीके के नियम बनाकर, जो उनके नियम है उसके अनुसार बीसीसीआई आईपीएल करवाने की सोच रहा है। लेकिन रोहित, 50 से ज्यादा दिनों तक ये कहा जा रहा है कि आईपीएल की टीमें, आईपीएल चलेगा, कितनी टीमें इसमें हिस्सा लेंगी? जी देखिए, आईपीएल के 8 टीमें हैं, 51 दिन चलने वाले इस टूर्नामेंट में लिए में खेलेंगी, जिनमें से 8 टीमें हैं। और इन 8 टीमों के जो सभी प्लेयर्स होंगे, एक टीम में लगभग 20 प्लेयर्स होते हैं, वो सब जाएंगे, उनके सपोर्ट स्टाफ, उनके मैनेजमेंट, उनके कोच, तो सब होंगे। तो ऐसे में 8 टीमें, 51 दिन मैच चलेगा। उम्मीद है कि अब की हफ्ते में 5 दिन 2-2 मैच खेले जाए और 2 दिन ऐसे होंगे जब केवल एक मैच खेला। बिल्कुल, चलिए, धन्यवाद आपका रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए।